हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं हम सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉग इन स्टडी फॉर। चले इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो अपना सेशन है वो गंगापुर सिटी जो जिला बना है उसके ऊपर रहने वाला है। बहुत ही प्यारा, शानदार, इंपॉर्टेंट और छोटा सा सेशन होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जितनी देर क्लास होती है आप सभी को लास्ट तक ये सेशन ज़रूर देखना है। गंगापुर सिटी जिले के बारे में जितने भी फैक्ट है कंप्लीट आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, तो आप सभी लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आप सभी के लिए जिला दर्शन की क्लास यहाँ पर शाम को 8 बजे हो रही है, जो कि आने वाली राजस्थान में जितनी भी एग्जाम हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़रूर उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। सभी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और गंगापुर सिटी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, कंप्लीट इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। गंगापुर सिटी जो कि राजस्थान का नवीनतम जिला बना है, सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिएगा इसके जो संस्थापक है उनसे क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संस्थापक का नाम लिख लेना दोस्तों, क्या है, कुशली राम है, ठीक है ना, कुशली राम हल्दिया है ना। संस्थापक का नाम क्या है, कुशली राम हल्दिया। ये इनके क्या है, गंगापुर सिटी जो कि जिला है इसके संस्थापक है। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों गंगापुर सिटी की, तो ये कौन से संभाग में आता है, तो लिख लीजिएगा यह है भरतपुर संभाग में आता है, ठीक ना, यह भरतपुर संभाग में आता है। अब भरतपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, भरतपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या हो गई 6 जिले, ठीक ना। कितने जिले दोस्तों, टोटल 6 जिले आने लगे भरतपुर संभाग में। अभी हमने कल भी तो पढ़ा था ना डीग भी दोस्तों भरतपुर में आता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी आपको लिख लेना चाहिए कि यह 2 जिलों से अलग होकर बना है, ठीक ना, यह 2 जिलों से अलग होकर बना है। आपको बताना है कि कौन कौन से 2 जिले हैं, बताए जल्दी से, यह 2 जिलों से अलग होकर बना है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से 2 जिले हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों लिख लीजिएगा, एक तो है यहाँ पे करौली जिला, करौली दोस्तों, करौली लिख लेना है। करौली में पहले गंगापुर सिटी करौली में आया करती थी। एक है दोस्तों सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर और करौली जिला है। करौली की 2 तहसील थी ना, करौली ज़िले की 2 तहसील थी, एक तो टोडा भीम और एक नादोदी, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, है ना, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके अलावा ये लिख लेना कि यह जो ज़िला है ये क्या इसकी सीमा किसी राज्य से लगती है। अरे गंगापुर सिटी की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, नहीं लगती तो मतलब दोस्तों ये क्या है, अंतर्वर्ती ज़िला है, ठीक ना, ये क्या है, अंतर्वर्ती ज़िला है। अच्छा, मैंने दोस्तों जब राजस्थान जी के हमने शुरू किया था इस बार BSTC एग्ज़ाम के बाद में, तब मैंने आपको बताया भी था कि बताइए राजस्थान में टोटल अंतर्वर्ती ज़िले कितने हो गए हैं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताना है कि राजस्थान में अब कितने अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक किया करो, आपका जो लाइक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेशन में, तो लाइक ज़रूर किया करो सेशन को। और देखो दोस्तों बात करें गंगापुर सिटी की, तो ये क्या है, यहाँ पे गंगापुर सिटी आप देख सकते हो, जिसमें गंगापुर सिटी तहसील है। तलावड़ा, देखो तलवाड़ा मत देख लेना इसे, ना, तलवाड़ा अलग होता है, तलावड़ा अलग है, ठीक है, तलवाड़ा और तलावड़ा दोनों अलग अलग है दोस्तों, इन्हें एक मत कर देना, कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे तलावड़ा कहाँ पर है, गंगापुर सिटी में है। अभी क्वेश्चन आएगा तब आपको और बताया जाएगा। वजीरपुर बामणवास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले सवाई माधोपुर में आते थे ये सारे के सारे, ना, ये देखो दोस्तों ये सारे के सारे पहले सवाई माधोपुर में आते थे। गंगापुर सिटी, ये जो टोडा भीम और नादोदी, ये जो दोस्त तहसील है, ये कहाँ पर, ये करौली में आते थे ना, ये दोनों करौली में आती थी पहले, ना, ये दोनों दोस्तों करौली ज़िले में आती थी, बाकी सारे के सारे सवाई माधोपुर ज़िले में आती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया हुआ था कि सवाई माधोपुर और करौली 2 जिलों से अलग होकर ये बना है, ठीक है, इतना लिख लिया सभी ने। तो दोस्तों एक बात आपको और अभी नोट डाउन कर लेना है, 2-3 बातें, जैसे कि सबसे पहले तो बात करें गंगापुर सिटी जो ज़िला है इसकी सीमा कितने ज़िलों से लगती है, लिख लेना, इसकी सीमा 3 जिलों से लगती है। कितने ज़िलों से, 3 जिलों से ये सीमा बनाता है। अच्छा, 3 जिले कौन कौन से हैं ये भी क्या पता एग्जाम में पूछ ले, तो पहले तो आपको लिख लेना है दौसा ज़िला, ठीक है, दौसा के अलावा दोस्तों दूसरा आपको याद हो गया होगा करौली, जिससे अभी हमने बात की थी कि करौली से अलग होकर बनाए। तीसरा कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, तीसरा कौन सा दोस्तों, सवाई माधोपुर। तो 3 जिले कौन कौन से हैं याद हो गए सभी को, एक तो दौसा ज़िला है, एक करौली, एक सवाई माधोपुर है, इनको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है गंगापुर सिटी, बहुत छोटा सा ज़िला है, मतलब इससे क्वेश्चन काफ़ी कम आएंगे एग्जाम में, जो भी आएंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे।
अब दोस्तों बात करें यहाँ पे नदी के बारे में, तो कोई खास नहीं है, लेकिन लिख लेना दोस्तों एक नदी यहाँ पर बहती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नहीं, गंभीर नदी। ओके, गंभीर नदी है, गंभीरी नहीं है दोस्तों ना। गंभीर नदी की बात करें, इसका ध्यान रखना है, इसका उद्गम तो कहाँ से होता है? इसका उद्गम तो करौली से होता है, ठीक ना। इसका उद्गम तो करौली जिले से होता है, लेकिन ये बहती करौली में भी है, और दोस्तों करौली के बाद में ये गंगापुर सिटी आ जाती है, ठीक है। ये गंगापुर सिटी में बहती है, और गंगापुर सिटी के बाद दोस्तों ये भरतपुर में चले जाती है, ठीक है। ये बाद में कहाँ पर? भरतपुर में चले जाती है। ओके, ये लिख लेना, गंगापुर सिटी और भरतपुर और करौली, तीन जिलों में जो ये गंभीर नदी है, गंभीर नदी के बारे में आप लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी दो चार मतलब ज़्यादा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। एक है यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिरों से भी आपको ध्यान रखना है, दो चार मंदिर जो कि थोड़े फेमस हैं यहाँ के। जैसे कि दोस्तों एक तो यहाँ पर बात करें जगदीश जी महाराज का मंदिर है ना, जगदीश जी महाराज का मंदिर लिख लीजिएगा, जगदीश जी महाराज का मंदिर। पढ़ा नहीं था ना आपने इतने दिन, अब लिख लाना, थोड़ा ये ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गंगापुर सिटी जिला बन गया, तो जिला का जिला बन गया तो दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये जगदीश जी महाराज का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर एक गाँव है केमरी गाँव। कौन सा गाँव है? केमरी गाँव है। अच्छा, केमरी गाँव दोस्तों, ये जो केमरी गाँव है ये कहाँ पर है, कौन सी तहसील में है? नादोदी तहसील में, नादोदी तहसील में है, ठीक ना। और ये सारे के सारे कहाँ पर है? ये इसी गंगापुर सिटी ज़िले में है। ओके, यहाँ पर जो मेला लगता है वो बसंत पंचमी के दिन लगता है, लिख लीजिएगा। मेला कब लगता है? बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर दोस्तों एक धुंधेश्वर महादेव का मंदिर है ना, धुंधे यहाँ पर ये ध है ना, ठीक ना। धुंधेश्वर महादेव का मंदिर है, धुंधेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? गंगापुर सिटी। ओके, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, गंगापुर सिटी में है धुंधेश्वर महादेव का मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या है? कबीर शाह की मज़ार भी है, ये भी लिख लेना, कबीर शाह की मज़ार। कबीर शाह की मज़ार कहाँ पर है? तो ये वजीरपुर में है। अभी मैंने बताया था ना आपको, वजीरपुर दोस्तों तहसील है, वजीरपुर तहसील है यहीं पर इसी ज़िले में। ओके, लिख लो जल्दी से एक बार, लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? कल्याण जी का मंदिर है और गंगाबाई का मंदिर है। कल्याण जी का मंदिर और गंगाबाई का मंदिर भी यहीं पर है, लिख लो जल्दी से। एक दोस्तों यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर भी है, बड़ा मंदिर तो आप सभी को पता होगा सीकर ज़िले में, लेकिन एक मंदिर यहाँ पर भी है, खाटू श्याम बाबा का मंदिर, ठीक है। कौन कौन है ये जो गंगापुर सिटी है इस ज़िले से, कौन कौन है उन्हें पता होगा, एक खाटू श्याम बाबा का मंदिर भी है यहाँ पे। कहाँ पर है दोस्तों? ये कुशालगढ़ में है, ठीक ना। ये कहाँ पर है? कुशालगढ़ में है, कुशालगढ़ तलवाड़ा में है, ठीक है। कुशालगढ़ तलवाड़ा, तलावड़ा, देखो तलवाड़ा नहीं होता, तलावड़ा होता है वो, है ना। यहाँ पर है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, ये भी आपको लिख लेना है। तो देखो, कल्याण जी का मंदिर, गंगाबाई का मंदिर, और पहले हमने पढ़ा जगदीश जी महाराज का मंदिर, एक पढ़ा हमने धुंधेश्वर महादेव का मंदिर, ये सारे के सारे गंगापुर सिटी में है। ओके दोस्तों, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख किला है, किले से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो किला है वो लिख लीजिएगा। एक ही किला है जो कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ओके, चले दोस्तों, एक बार जो भी क्लास में जुड़े हैं एक बार सेशन को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। चले दोस्तों, यहाँ पर जो किला है, किले की बात करेंगे उसके बाद में। एक बार सभी सेशन को लाइक करो और शेयर करो सभी क्लास को। चलिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए, चले दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों बात करें, किला कौन सा है? कुशालगढ़ का किला, ठीक है ना। कुशालगढ़ का किला, कुशालगढ़ किला है, ठीक है ना, कुशालगढ़ किला। अभी हमने बात भी की थी कि कुशालगढ़ किले में यहीं पर क्या है, खाटू श्याम जी का मंदिर भी है कुशालगढ़ किले में, तो वो आपको ध्यान रखना है। और जो एक नेक्स्ट इसका जो फैक्ट है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो गंगापुर सिटी है ये एक मिठाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। गंगापुर सिटी दोस्तों एक मिठाई है, उसके लिए थोड़ा जाना जाता है, तो उस मिठाई के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये देखो, देख सकते हो यहाँ पर एक मिठाई है, ये जो मिठाई, ऐसे आप गुलाब जामुन मत समझ लेना, ये गुलाब जामुन नहीं है। ये दोस्तों क्या है, इसका जो नाम है वो
खीर मोहन है, ठीक ना। और पता होगा खीर मोहन है, ये भारत की नहीं है, विश्व की प्रसिद्ध है, जो कि गंगापुर सिटी की है, ठीक ना। खीर मोहन मिठाई, खीर मोहन मिठाई दोस्तों, ये जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों में से आती है ना, राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों में से आती है। एक दोस्तों स्पेशल टिक्कड़, पता नहीं क्या होता है स्पेशल टिक्कड़, लेकिन ध्यान रखना स्पेशल टिक्कड़ है ना, स्पेशल टिक्कड़, ये भी दोस्तों यहीं की मिठाई है। तो दो मिठाइयों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ओके, दो मिठाइयों के बारे में भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, ये अपना यहाँ पर बात करें गंगापुर सिटी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे गंगापुर सिटी है, ठीक ना। ये गंगापुर सिटी है, जो कि मैंने आपको बताया था गंगापुर सिटी के बारे में, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ओके। कितने ज़िलों से सीमा लगाती है देख सकते हो, इधर यहाँ पे आता है दोस्तों दौसा, इधर देखिए यहाँ पे आता है दोस्तों गंगापुर सिटी दौसा, और यहाँ पर है करौली, और इधर है सवाईमाधोपुर, तीन ज़िलों से सीमा लगाता है, ओके। कुछ दो चार क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आज का अपना सेशन तो काफ़ी छोटा है, इसलिए दो चार क्वेश्चन आपको ज़रूर बताना है। एक तो क्या है, भोजन थाली मेला किस ज़िले में लगता है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भोजन थाली मेला किस ज़िले में भरता है, बताइए जल्दी से भोजन थाली मेले के बारे में। और जो भी क्लास में अब जुड़े हैं, सेशन को लाइक शेयर कर देना। आने वाली जो क्लास है उसमें हम सातपुड़ा ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। कल दोस्तों संडे, संडे को हो सकता है अगर क्लास होगी तो बता देंगे, शायद दोस्तों थोड़ा सा अभी बिजी हैं तो आपको हम बता देंगे, अगर क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बाकी मंडे को ज़रूर क्लास होगी। भोजन थाली मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, पहले भरतपुर पड़ते थे, लेकिन अब ध्यान रखना डिग में लगता है, ओके, डिग डिग ध्यान रखना। दूसरा जो क्वेश्चन है, ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, ब्यावर दोस्तों जिला भी बन गया है ना, ब्यावर जिला भी बन गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, एरिड डिक्सन है ना, एरिड डिक्सन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि वीर त्याजी पशु मेला कौन से स्थान पर भरता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में करने के लिए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान में वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, राजस्थान में वर्तमान में कितने ज़िले अंतर्वर्ती है, दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को देना है। गंगापुर सिटी जो कि काफ़ी छोटा ज़िला था, जिससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आ सकता है वो हमने यहाँ पर दोस्तों डिस्कस किया है, ओके। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से मस्त रहो, तो और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास को देखने के लिए, और कल अगर क्लास होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा, बाकी दोस्तों अगर नहीं होगी तो मंडे को आपकी ज़रूर क्लास हो जाएगी सातपुड़ा जिला दर्शन की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। BHTC के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो रिजल्ट के बारे में एक दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर। तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, ओके। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे इनका आंसर आपको देना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, थैंक यू।